दोस्तों आपने बिल्कुल सही पढ़ा बाहर कैप्शन में, आज मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ गुआवा स्मूदी, वो भी बिना ओरिजिनल गुआवा के, क्योंकि गुआवा मेरा एक फेवरेट फ्रूट है। तो मुझे लगता है कि एवरी मंथ मुझे कुछ ना कुछ गुआवा का पीना होता है या खाना होता है, तो क्या किया जाए, तो एक ऐसे इंग्रेडिएंट ढूंढ के लाया हूँ जिसको ओरिजिनल गुआवा से रिप्लेस किया जा सकता है और ये अमेजिंग रेसिपीज बनाई जा सकती है। सो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ये पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको इमीडिएटली कर लें, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग अनसीन रेसिपीज आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। मेरा नाम है जितेंद्र, मैं एक बेवरेज ट्रेनर, बरिस्ता ट्रेनर, कॉफ़ी कंसल्टेंट और बेवरेज इनोवेटर हूँ। सो इस तरह की अमेजिंग रेसिपीज़ देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, और हाँ याद रखिएगा कि हर बार की तरह हर वीडियो में मैं एंड में जाकर के कुछ अच्छी टिप्स देता हूँ, वो टिप्स आपके बहुत काम आएगी, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हमें किन किन इंग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। सो गुआवा स्मूदी बनाने के लिए हम जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट लेंगे वो है हमारी मिल्क से बनी हुई आइस क्यूब्स। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपनी किसी भी ड्रिंक के अंदर प्रेफर नहीं करता आइसक्रीम या कोई और इस तरह का इंग्रेडिएंट यूज़ करना। सो ये मेरा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है। अगला इंग्रेडिएंट जो आप देख रहे हैं वो है ये डी सीडेड चेरीज, ये कैन चेरीज हैं। आप चाहें तो आजकल इस सीज़न में तो फ्रेश चेरीज भी अवेलेबल हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। सो ये मेरा तीसरा और मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, गुआवा जूस। सो मैं गुआवा तो मुझे अभी नहीं मिलेगा इस सीज़न में, लेकिन अगर मुझे एक अच्छी स्मूदी पीनी है तो मैं गुआवा जूस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मेरा फोर्थ इंग्रेडिएंट है हर्शेस का स्ट्रॉबेरी सिरप, इसको मैं यूज़ करूँगा अपने ग्लासेस को ग्लेज करने के लिए अंदर से, बट बहुत थोड़े अमाउंट में। अपनी स्मूदी को मैं और सुंदर बनाने के लिए ये वॉफल में एज अ गार्निश ऑन टॉप यूज़ करने वाला हूँ। ये है फाइन शुगर, अपनी ड्रिंक को थोड़ा सा स्वीटनेस और बढ़ाने के लिए मैं ये शुगर आज यूज़ करने वाला हूँ। आइए जार में सबसे पहले अब इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करते हैं ड्रिंक बनाने के लिए। जार का वेट टेयर कर लेते हैं। अब इसमें हम जो ऐड कर रहे हैं गुआवा जूस, ये हमने 200 ml ऐड किया है। मैं आज दो ग्लास गुआवा स्मूदी आपको बना के दिखाऊंगा इस रेसिपी से। इसको फिर से एक बार टेयर कर लेते हैं। अब इसमें हम 1 स्पून ऐड करेंगे शुगर, 12 ग्राम है, इसको 15 ग्राम कर लेते हैं। फिर से एक बार टेयर कर लेंगे इसको। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रहा हूँ मिल्क आइस क्यूब्स। अब जार को हम क्लोज करेंगे और इसको लो स्पीड पे हमें ब्लेंड करना है। अब हमें इसमें ऐड करना है इसको कलर देने के लिए थोड़ा सा, ये जो डी सीडेड चेरीज हमने रखी थी ये मैं ऐड करूंगा अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7। इससे हमारी जो स्मूदी है उसमें कलर बहुत अच्छा आएगा, और बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, बस इसको एक बार चला के वापस ऑन ऑफ करना बस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ग्लेज द ग्लास टू ब्यूटीफाई इट, ग्लास को थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए इस तरह से देखिए कितना थिक एंड रिच स्मूदी बनी है। वाओ, सुंदर बनाने के लिए मैं इस पे 2 चेरीज रख रहा हूं। और एक वॉफल देखिए कितने सुंदर ड्रिंक निकल के सामने आई है। वाओ, मेरे तो मुंह में पानी आ गया।
सो दोस्तों इस यमी रेसिपी के लिए जो टिप्स के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आइए देखते हैं क्या क्या टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी मेरी ड्रिंक्स है वो सारी की सारी फ्रोजन मिल्क के साथ या फ्रोजन मिल्क की आइस क्यूब्स के साथ हैं, तो मैं हमेशा आइस क्यूब की फॉर्म में यूज़ करना पसंद करता हूँ, जिससे मेरी रेसिपीज़ जो हैं बहुत कंट्रोल्ड रहती हैं, कि मेरे को पता होता है कि मैंने कितने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। एंड सेकंड एंड फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ऑलमोस्ट लॉकडाउन ओपन हो चुका है, मैं मार्केट गया था तो मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंज आया था कि फ्रेश स्टॉक मुझे मिले, बट बहुत मुश्किल से मुझे ये मिला है। आप देखिएगा कि जितनी भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में वो सारे के सारे फैब से पहले के हैं, तो कोई भी मटेरियल आपको इस तरह का ना मिले जो एक्सपायर्ड हो, तो देख के लेके आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी या जिनको आप सर्व कर रहे हैं उनकी हेल्थ के लिए भी। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को आपको यूज़ नहीं करना है दोस्तों। ये सबसे अच्छी स्मूदी अभी तक की मेरी बनी है, आप इसको डेफिनेटली अपने घर पर ट्राई करिएगा। और जो भी रेसिपीज मैं बनाता हूँ, मैं स्पेशली सुजाता का ब्लेंडर यो यूज़ कर रहा हूँ, उसका यही मकसद है आपको ये दिखाने के लिए कि ये सब रेसिपीज पॉसिबल है अपने घर पे बनाना। अदरवाइज मैं चाहता तो इस वीडियो को किसी कैफे में जाकर के भी शूट कर सकता था। सो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके लिए मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जो लोग कैफ़े ओनर हैं वो अगर चाहते हैं मैं उनके कैफ़े का मेन्यू डिज़ाइन करूँ तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के लास्ट में दे दी गई है। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक है, कमेंट है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज को ज़रूर ड्रॉप करें, मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ इंटरेक्ट करने में। और अभी तक अगर आपने मेरा ये यूट्यूब पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अमेजिंग रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगी, इसको इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं इस तरह की रेसिपीज जब जब अपने इंटरनेट पर अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। सो दोस्तों इस रेसिपी और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। और मैं अपनी रेसिपी अब जाता हूँ एंजॉय करने के लिए। रियली रमी, गुड बाय।